दोस्तों नमस्कार, बिंदास मार्केट ऑफिस स्टॉक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले अडानी विलमार। दोस्तों जैसे कि आपने देखा है अडानी विलमार का जो IPO आया था उसके बाद से कंपनी बहुत ही तेज़ी से भागे चली जा रही है और मार्केट में खलबली मची हुई है कि अडानी विलमार के पैसे IPO ने अडानी विलमार कंपनी ने पैसा कई गुना कर दिया, अच्छा प्रॉफिट निकाल के दे दिया। कुछ लोग ये सोच के पछता रहे हैं, कुछ लोग ये सोच के रो रहे हैं कि हमने पैसा नहीं खरीद लगा पाया और कुछ लोग अभी भी खरीदते चले जा रहे हैं। मतलब अंधे बन के, हो सकता है ना, होता है ना एक ब्लाइंड बन के खरीदते चले जा रहे हैं। किसी ने बोल दिया कि अडानी विलमार का शेयर खरीद लो, पीछे भागे जा रहे हैं यार। मतलब शेयर भागता हुआ जा रहा है और आप उसके पीछे भागते हुए जा रहे हैं। एक चीज़ हमेशा याद रखना है दोस्तों ज़िंदगी में, शेयर मार्केट में कभी भी भागते हुए शेयर को कभी मत पकड़ना, भागते हुए शेयर को कभी मत पकड़ना। अगर पकड़ना हो तो कोई फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर गिर गया हो, जितना गिर गया हो उसको निकलने मत देना, क्या समझे। भागते हुए शेयर को कभी पकड़ना मत। और अगर कोई फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग में 20-25-30% की गिरावट हो गई हो तो उसको निकलने मत देना, जिंदगी में याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। सो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जो लोग पहली बार आए हैं उनका बहुत स्वागत है, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो लोग पहले से देखते हैं उनका भी दिल से शुक्रिया। और अगर गलती से सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़। हमारा मोटो है कि हम अपने व्यूअर्स को अपने चैनल के माध्यम से ऐसी नॉलेज प्रोवाइड कराएं सिंपल तरीके से कि उनका कैपिटल मार्केट में लॉस ना हो और बल्कि प्रॉफिट ही कमा के निकलें, ठीक है। सो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। और अडानी विलमार के शेयर में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने जा रहा हूँ जो जिसके लिए आप पागल हो जा रहे हैं लोग बाग, लेकिन अंधा बन के पागल हो जा रहे हैं, ठीक है। सो वो हमें कम नहीं करना है। जैसे कि आपको पता है अडानी विलमार विद FMCG गुड कंपनी इन इंडिया दैट ऑफर्स मोस्ट ऑफ द एसेंशियल किचन कमोडिटीज़ इन इंडियन कंज्यूमर इंक्लूडिंग एडिबल ऑयल, वीट फ्लोर, गेहूं का आटा, राइस, दालें, शुगर आर प्रोडक्ट्स ऑफर एंड डाइवर्स रेंज ऑफ ब्रांड्स अक्रॉस बोर्ड प्राइस। मतलब बहुत सारी तरीके की इसकी ब्रांड हैं, ठीक है। फॉर्चून रिफाइंड ऑयल है, ये सब चीज़ें इसकी बहुत सारी अच्छी अच्छी ब्रांड हैं इसकी, ठीक है। अब आप बात करते हैं मार्केट कैप, 75,341 करोड़ का मार्केट कैप है, काफ़ी अच्छा है। लार्ज कैप कंपनी है, ROE अच्छा है, बहुत अच्छा है, ठीक है। और स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 24x इट्स बुक वैल्यू से, इसकी जो बुक वैल्यू ना ये वाली तो मेन चीज़ समझने की क्या है, बुक वैल्यू है 23.6 और यहाँ पर ये क्या दे रहा है, स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 24.58x इट्स बुक वैल्यू। अगर इसका मल्टीप्लाई का 24.58 का बुक वैल्यू में गुणा कर दोगे ना तो इसकी जो करंट प्राइस चल रही है ये वाली वो आ जाएगी। तो बुक वैल्यू से बहुत ही ओवरबॉट जोन में है ये शेयर, ठीक है, क्या समझे, बहुत ही महंगा चल रहा है अभी। रुचि सोया, गुजरात एग्रोटेक फूड्स, ये सब जिससे क्या है कंपटीटर हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपनी की सेल्स में 22,973 करोड़ से 37,090 करोड़ की ग्रोथ है, ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी ग्रोथ है। नेट प्रॉफिट है 230 करोड़ से 655 करोड़, काफ़ी अच्छा है। नेट EPS देखोगे ना यहाँ पे, EPS अर्निंग पर शेयर 57 रुपये, काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर भी अच्छी ग्रोथ है। और हम यहाँ पर देखते हैं आपका ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस देखोगे, प्रॉफिट एंड लॉस ईयरली, तो ये काफ़ी अच्छी ग्रोथ है प्रॉफिट एंड लॉस में, 655 करोड़, ये हमने देख लिया, ठीक है। तो यहाँ हम देखते हैं रिजर्व, 2952 करोड़ का रिजर्व है और 1904 करोड़ की बोरोइंग है, ठीक है, कंपनी के पास। तो बोरोइंग तो है कंपनी के पास, रिजर्व भी कुछ ज़्यादा नहीं है लेकिन बोरोइंग भी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पर दिखा नहीं रहा है लेकिन इसकी हिस्सेदारी में बता दूँ आपको, 87% या 84% की प्रमोटर्स की इसमें हिस्सेदारी है, लेकिन कुछ शेयर प्रमोटर्स ने गिरवी रख रखे हैं, वो कितने रखे हैं ये भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, कंटिन्यू बने रहिएगा। अभी हम चलते हैं इसके चार्ट की तरफ, चार्ट क्या बोल रहा है इसका, तो यहाँ हम आपको दिखाएंगे अडानी विलमार जब से आया तब से प्रॉफिट ही निकाल के दिया जा रहा है। यहाँ पर हम इसको मैग्नम चार्ट में ओपन करता हूँ तो 321 के बाद से कंपनी में थोड़ी सी गिरावट भी हुई थी 381 के बाद से, लेकिन उसके बाद ये देखो यहाँ से काफ़ी अच्छी इसने उछाल मारी है और कच्ची अच्छा रिटर्न दिया है। तो कुछ लोग पागल हुए जा रहे हैं कि क्या हमें खरीदना चाहिए, हमने खरीद नहीं पाया, कुछ लोग रोज़ खरीद रहे हैं इसमें, मौका मिल जाए खरीद ले रहे हैं। तो क्यों खरीद रहे हो मेरे भाई, क्या यही एक शेयर है जो इतना महंगा शेयर मिल रहा है, आप क्यों खरीद रहे हो इसको। मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, देखो यहाँ पर आप देखोगे इस जगह पर, तो मैं आपको दिखाऊँगा मैं आपको क्यों मना कर रहा हूँ, भागते हुए शेयर को क्यों पकड़ रहे हो आप, क्या मिलेगा प्लस शेयर कंपनी के पास, देखो प्लस शेयर कितना है 4%, 4% के कंपनी ने शेयर गिरवी रख रखे हैं, लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है प्लस प्रमोटर शेयर, क्योंकि ये 25% से बहुत कम है। अगर किसी कंपनी की 25% से नीचे शेयर गिरवी रखे होते हैं तो वो गुड होता है, ठीक है, उसमें इतनी ज़्यादा रिस्क नहीं रहती है, ठीक है। तो एक तो कंपनी के शेयर गिरवी रखे हुए, ठीक है। और नेक्स्ट मैं आपको दिखा दूँ
प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 87, मैं आपको बोल रहा था 87% की हिस्सेदारी, ठीक है। और एक चीज़ और दिखा दूँ, यहाँ आप देखोगे एंट्री पॉइंट और इंट्रेंसिक वैल्यू, करंट प्राइस इज मोर देन इंट्रेंसिक वैल्यू। इंट्रेंसिक वैल्यू हमेशा रखना, करंट प्राइस मार्केट प्राइस जो होती है उससे ज़्यादा होनी चाहिए, तब तो वो शेयर आपको सही रेट में मिल रहा है। अगर किसी शेयर की इंट्रेंसिक वैल्यू कम है बजाय मार्केट प्राइस के, तो वो ओवरबॉट जोन में। एंट्री पॉइंट यहाँ पर देखो, नॉट अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट, स्टॉक इज इन ओवरबॉट जोन। तो दोस्तों आप इसको हाई पे खरीदोगे, जब ये गिरेगा ना तो आप रोओगे, क्यों क्यों पीछे पड़े हुए भागते हुए शेयर को, भाग जाने दो, यही एक शेयर है, क्यों पीछे पड़े हुए। सो मेरा आपसे यही कहना था, क्योंकि कुछ लोग परेशान हो रहे हैं कि हमने नहीं खरीद पाया सर। देखो कंपनी बहुत अच्छी है, कंपनी बहुत अच्छी, कंपनी में खराबी नहीं है, लेकिन हर चीज़ का एक टाइम होता है। तो आप इसको हाई पे खरीदोगे यहाँ पे, उसके बाद गिरावट होगी, फिर क्या करोगे। मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर कोई कंपनी भाग रही है तो उसको हाथ बांध करके बैठे देखते रहो, क्या देखते रहो कि गिरेगी कब, क्या समझे, बांध के देखते रहो कि देखना ये है कि गिरेगी कब, जब ये गिरेगी तब खरीदोगे। कुछ लोग पता है शेयर मार्केट में जो स्मार्ट लोग हैं, वो पैसा लेकर के बैठ जाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कब ये कंपनी जो फंडामेंटली जो उनको अच्छी कंपनी लगती है, कब ये कंपनी 20-30% नीचे आए और मैं इसमें पैसा लगाऊं। तो आप भागते हुए शेयर को क्यों पकड़ रहे हो। एक साल में कई बार हजारों कंपनियां, सैकड़ों कंपनियों में अपॉर्चुनिटी मिलती है। आप रोज़ उंगली करोगे ना, कभी इसमें लगा दिए, कभी इसमें लगा दिए, कुछ नहीं कर पाओगे। सारा कैपिटल जो लाओगे ना वो भी दे जाओगे, पता भी नहीं चलेगा कब साफ हो गया। सो मेरा ये कहना है, कंपनी तो बहुत अच्छी है, जो लोगों ने इसमें पैसा लगा रखा है उन्हें होल्ड करना चाहिए, लेकिन जो खरीदने की सोच रहे हैं ना, वेट करें मेरे भाई, इतना जल्दी मत करो। पैसा है ये कोई मजाक नहीं, आपकी मेहनत का पैसा है, ठीक है। सो वेट करो, थोड़ा सा कंपनी को नीचे आने दो, ओवरबॉट जोन में है। नीचे खरीदोगे तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा, और ऊंचे पर ही खरीदोगे तो कम प्रॉफिट होगा, ठीक है। सो मेरा यही मोटिव है दोस्तों, आपने अगर कुछ सीखा है इस वीडियो से तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप देख के चले जाते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो भाई को मोटिवेट कर दिया करो एक बार सब्सक्राइब करके, और कमेंट्स करके बताना किस किस के पास ये शेयर है, कितने कितने शेयर हैं, और जो लोग बाय करने की सोच रहे हैं क्या वो अभी बाय करेंगे या थोड़ा वेट करेंगे। सो कमेंट्स करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।